हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सी विद कमल में, जहाँ पे मैं आपके साथ स्टिचिंग ट्यूटोरियल शेयर करती हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए पैंट ट्राउजर की कटिंग और स्टिचिंग का ट्यूटोरियल लेके आई हूँ, और जिसमें हम पॉकेट भी अटैच करेंगे। और ये है इसका मेजरमेंट, मैंने जो आपको स्क्रीन पे शेयर किया है, और इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे। और सबसे पहले प्लीज आप मेरी वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अब हम शुरू करते हैं हमारी कटिंग। इसके लिए मैंने फैब्रिक को डबल करके बिछाया हुआ है, और अंदर हमने सीधी साइड अंदर की तरफ की हुई है। और सबसे हम पहले लाइन ड्रॉ करके इस फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। और मैं 13.5 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ। ये हम हिप राउंड के अकॉर्डिंग, जो भी हमारा हिप राउंड, उसे 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी हमारा मेजरमेंट आता है उसके अकॉर्डिंग लगाया है मैंने मार्क 2.5 इंच की लूजिंग देके। और हमें इसका सेंटर मार्क कर लेना है, जो कि 6.7 इंचेस पे आएगा। ये हमें पूरी लेंथ के अकॉर्डिंग मार्क लगा लेने हैं। अभी मैं जो है इसकी लेंथ पे मार्क कर लेती हूँ, जो मैंने आपको बताया 38 इंच पे मैंने मार्क किया है। और इसके क्रोच एरिया के लिए मैंने 12 इंचेस पे मार्क किया है। मैंने 1 इंच ऊपर की तरफ बढ़ाया हुआ है, जिससे ये वाला मार्क 11 इंचेस पे मैंने एग्जैक्टली लगाया है। और अभी हमें इसे शेप दे देनी है। और मुहरी के लिए जो मैंने 7 इंचेस रखी है, तो मैं 3.5 सेंटर से दोनों साइड मार्क लगा लूंगी। और इन्हीं मार्क के अकॉर्डिंग हमें जो हमारा लेग शेप पर कर्व है उसको रखते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है, जैसा मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। और ऊपर से हमें जो हमारा क्रोच लाइन है उसे हमें एक लाइन ड्रॉ करके एक ही हमें सेम साइज पे हमारी ये लाइंस आनी चाहिए, और उसी तरह हमें लेग कर्व शेप की तरह हेल्प से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये हम अब कटिंग करेंगे। मैंने नीचे से 1.5 इंच फोल्डिंग के लिए छोड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हमें सीधा कट करके हमारी मूरी को इस तरह से फोल्ड करना है, जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। और जितनी हमारी मूरी है उसी के अकॉर्डिंग हमें कट लगा लेने हैं। आपको इसी तरह से मूरी कट करनी है। अगर आप सीधी कट करेंगे तो जब फोल्ड करेंगे तो फैब्रिक कम और ज़्यादा हो जाता है। हमारी फ्रंट पीस की कटिंग हो गई है। अभी मैंने बैक पीस के लिए इसी फैब्रिक को सेट कर लिया है। मैंने प्लेन फैब्रिक था इसलिए मैंने उसे इसी तरह से बिछाया, जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। और बैक पीस में 2.5 इंचेस बढ़ा रही हूँ। अगर आप स्मॉल साइज में बना रहे हैं तो आप 2 इंचेस बढ़ा लें, या 1.5 इंच भी बढ़ा सकती हैं। और एक लाइन ड्रॉ करके हमें बॉक्स बना लेना है। ऊपर से मैंने 2.5 इंच पे मार्क लगाया था, और एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। क्रोच एरिया की तरफ से हमें ये मार्क लगा के बढ़ाना है। और नीचे से मैं 1-1 इंच पे मार्क लगा रही हूँ बैक पीस को बढ़ाने के लिए। और अभी हमें हमारे लेग शेप पर स्केल से इस मार्क को मिला लेना है, जैसा मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। तो अभी हमारी मार्किंग हो गई है। हमें अब मैं शेप दे रही हूँ, ये शेप मैंने दे दिया, ये 0.7 के अकॉर्डिंग होगी ये शेप लगभग। और हमारी जो है दोनों पीसेस की कटिंग हो गई है, फ्रंट और बैक पीस की। अभी हम पॉकेट कट करेंगे। तो मैंने ये फैब्रिक डबल करके फोल्ड किया है, जो हमारा कटिंग में से बचा हुआ फैब्रिक है उसी में से कट कर रहे हैं। और मैंने जो पॉकेट की लेंथ है वो 12.5 इंचेस पे मार्क की है। और नीचे से मैं ये मार्क 7 इंचेस पे लगा रही हूँ, जो मैंने विड्थ रखी है पॉकेट की। ऊपर से मैं 4.5 इंच पे मार्क लगा के इन दोनों मार्क को लाइन ड्रॉ करके मिला लूंगी। और ये शेप मैंने दी है, ये शेप मैंने 2 इंचेस की दी है। आपको इसी तरह पॉकेट कट करनी है। जो साइड सीधी है वहां पे मैंने 2 इंच पे मार्क लगाया है, और जो हमारी पॉकेट होल है उसके लिए मैंने 5 इंच पे मार्क लगाया है। अब इन्हीं मार्क के अकॉर्डिंग हम इसे कट कर लेंगे। और मैं यहां से भी इसको अलग कर लूंगी, क्योंकि ये जुड़ा हुआ फैब्रिक था, मैंने इसी तरह से फोल्ड किया था। तो ये हमारी पॉकेट की कटिंग हो गई है। अगर आप 2 पॉकेट्स लगाना चाहते हैं तो इसी तरह से आपको दूसरी पॉकेट भी कट कर लेनी है। अब हम बेल्ट के लिए फैब्रिक कट करेंगे। मैं 4.5 इंचेस पे मार्क लगा रही हूँ बेल्ट की विड्थ के लिए। और इसकी लेंथ मैंने 28 इंचेस कट की है, जो कि हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे जब हम प्लाजो पे इसे अटैच करेंगे। तो अभी हमारी जो है कटिंग कंप्लीट हो गई है प्लाजो की, और अब हम इसे स्टिच करेंगे। सबसे पहले जो है हमें फ्रंट का क्रोच एरिया और बैक पीस का क्रोच एरिया सिलाई लगाकर अटैच कर लेना है। मैंने दोनों पीसेस को अटैच कर लिया है सिलाई लगा के।
और अभी हम इस पे पॉकेट अटैच करते हैं जो मैं आपको मशीन पे दिखाऊंगी अटैच करके। तो इसके लिए मैंने फ्रंट पीस ले लिए हैं, हमें पॉकेट फ्रंट पीस पे ही अटैच करनी है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और मैंने एक पीस लिया है पॉकेट वाला और दोनों की सीधी साइड मैंने एक तरफ रखी है और इसी तरह से मार्क लगा के जो हमने पॉकेट होल रखना है उसकी जो मैंने मार्क लगाया है उसी शेप में हम इसे सिलाई लगा के अटैच करेंगे हमारे फ्रंट पीस के साथ। आपको जिस तरफ भी पॉकेट रखनी है आप उस तरफ अटैच करें, मैं ये राइट साइड पे रख रही हूँ पॉकेट। और ये जो हमने सिलाई लगाने के बाद जो हमारे कॉर्नर बन रहे हैं वहां पे हमें ऐसे ही कट लगाने हैं, बस हमें ध्यान में रखना है कि हमारी सिलाई कट ना हो। ये कट लगाने के बाद जब हम इसे टर्न करेंगे तो ये आसानी से टर्न हो जाएगी। तो अभी हम इसे पीछे की तरफ उल्टा लेंगे, हमारी जो हमने पॉकेट का फ्रंट एक पीस अटैच किया है फ्रंट पीस पे। आप चाहे तो आयरन करके भी इसे सेट कर सकते हैं अच्छे से। और अभी मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी, मैं थोड़ी थोड़ी दूरी पे सिलाई लगा रही हूँ एक एक पॉइंट के हिसाब से। और जिस शेप में हमने पहले सिलाई लगाई थी उसी शेप में हमें इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। और अगर आप इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो आप भी पॉकेट लगाना सीख जाएंगे आसानी से। तो हमें इसी तरह से पॉकेट को एक तरफ बढ़ा लेना है, जो हमारा दूसरा पीस है वो पॉकेट के नीचे इसी तरह रखते हुए अब हमें सिलाई लगानी है। और जहां से हमारी राउंड शेप है वहां पे हमें कट लगा लेने हैं जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। और अब हम जो है इसे सीधा कर लेंगे हमारी पॉकेट को। और अगर आप बिगनर्स हैं तो आप प्रेस करके इसे अच्छे से सेट कर लें। और इसी तरह हम इसी सिलाई को दबा देंगे, हमें बहुत ही ध्यान से अच्छे से सिलाई लगानी है ये वाली। हमें पॉकेट के फैब्रिक को स्ट्रेच नहीं करना है, नॉर्मली रखते हुए हमें इसे शेप के अकॉर्डिंग एजेस पे इसकी सिलाई लगा देनी है। तो देखिए हमारी पॉकेट जो है हो गई है, अच्छे से हमने अटैच कर ली है। और अब हम क्या करेंगे, हम इसे उल्टी साइड टर्न कर देंगे हमारी फ्रंट पीस के, और ऊपर से भी हमें सिलाई लगा देंगे जिससे जब हम बेल्ट अटैच करेंगे तो ये हमारी पॉकेट हिलेगी नहीं, ये फिक्स रहेगी अपनी जगह पे। और इसी तरह हमें साइड पे भी सिलाई लगा देनी है इसके। तो अब देखिए हम कितनी आसानी से हमने ये पॉकेट अटैच कर ली है। और ये सही तरीका है पॉकेट अटैच करने का, कई लोग राउंड शेप को बाहर की तरफ रख देते हैं जहां पे हमारी स्ट्रेट आई है, लेकिन हमें सीधी साइड ही जो हमारी सीधी स्ट्रेट साइड है उसी को अटैच करना होता है एक साइड पे। राउंड शेप जो होती है वो अंदर की तरफ होनी चाहिए हमारे क्रोच एरिया की तरफ। तो अब हम जो है इसको एक साइड से सिलाई लगाएंगे। आप ध्यान रखें मैं अभी इसको एक साइड से ही सिलाई लगाऊंगी। तो हमें फ्रंट और बैक पीस को इसी तरह से रखते हुए उसके टॉप से लेके हमें मुहरी तक इसकी सिलाई लगा देनी है। और अब हम इस पे बेल्ट भी अटैच करेंगे, उसके पहले हमें यहाँ पे प्लेट्स डालनी है। तो मैं 3.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ और इसी तरह हम इस पे प्लेट डाल देंगे। मैंने ये प्लेट लगभग 1 इंच की दी है जिसमें 2 इंच फैब्रिक अंदर की तरफ गया है। तो मैं इसी तरह से ये प्लेट डाल दूंगी। और अब हम बेल्ट को एक साइड से अटैच कर लेंगे क्योंकि हमें एक साइड हमने हमारी पैंट की भी अभी अटैच नहीं की है, ओपन ही रखी है। तो अब हम इस तरीके से बेल्ट को भी उसके साथ अटैच करेंगे एक साइड से ज्वाइन करके। तो हमें हमारी बेल्ट को सेंटर से मिलाते हुए इसी तरह से प्लाजो पे अटैच करना शुरू कर देना है, जिससे जो हमारी जो सिलाइयां हैं वो जो साइड सिलाई हमने पहले लगाई थी पैंट पे वहां पे आई जैसा मैं आपको वीडियो में दिखाया है। और एंड तक हमें इसे सिलाई लगा देनी है। और अब हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे, जैसा मैंने पहले एक साइड पे ज्वाइन किया था वैसे हमें दूसरी साइड भी साइड सिलाई लगा देनी है।
और अब हम सेंटर की सिलाई भी लगाएंगे। हमें इसी तरह से हमारे क्रोचे रे को मिलाते हुए फैब्रिक को सेट करना है और इसे भी सिलाई लगा के हमें अटैच कर लेना है। मैंने दोनों साइड सिलाई लगा ली है और अब हम इसकी मूरी को भी रेडी कर लेंगे फोल्ड करके। और प्लीज अगर आपको मेरा मेथड अच्छा लगा है तो आप मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और अब हम हमारी बेल्ट रेडी करेंगे। हमें इसी तरह से फोल्ड करना है, हमें जितनी विड्थ रखनी है हमारी बेल्ट की, और इसी तरह एजेस पे सिलाई लगानी है हमें सेट करते हुए। और हम एंड तक सिलाई लगा लेंगे, बस हम थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे जहाँ से हम इलास्टिक डालेंगे। इसके लिए मैं 30 इंचेस इलास्टिक यूज़ किया है और इसमें मैंने प्लाजो में भी डाल लिया है। और अब हम इसे अच्छे से इसके दोनों सिरों को अच्छे से अटैच कर लेंगे सिलाई लगा के। और जहां से हमने इलास्टिक डाला था हमें वहां पे भी सिलाई लगा देनी है और इसे अच्छे से स्ट्रेच करना है हमें 3-4 बार। और इसी तरह हमें सेंटर में सिलाई लगा देनी है हमारे इलास्टिक के। हमें इसी तरह थोड़ी थोड़ी दूरी से स्ट्रेच करते हुए सिलाई लगाते जाना है एंड तक। आई होप आपको ये वीडियो जिसमें मैंने आपको पूरी कटिंग और स्टिचिंग शेयर की है अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने नहीं किया है अभी तक। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।